हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लैंग्वेज माय लर्निंग चेंज द वे वी लर्न। सो दिस इज आवर मॉड्यूल वन ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, सो इन दिस मॉड्यूल वी विल लर्न क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। हम सबसे पहले तो पॉलीगन्स क्या है इसके बारे में जानेंगे, उसके डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, एंड देन उसके क्लासिफिकेशंस में करेंगे हम। पॉलीगॉन्स आखिर बोलते तो बोलते किसे। ओके, लेट मी क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स। सो व्हाट डिड वी लर्न इन दिस मॉड्यूल? वी लर्न अबाउट पॉलीगॉन्स, हम लोग पॉलीगॉन्स के बारे में जानेंगे, देन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, देन डायगोनल्स, देन कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन्स, देन रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगॉन्स, देन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पॉलीगन्स को समझेंगे, उसके डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, पॉलीगन्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसे हम समझेंगे, देन डायगोनल्स किसे बोलते हैं, ठीक है। देन एक क्राइटेरिया होता है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स, ठीक है। पॉलीगन्स में भी कुछ कुछ आते हैं आपके कन्वेक्स और कनकेव, उनके बारे में समझेंगे, और रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स किसे बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज आवर एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे हम। ओके, सो लेट मी क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स फर्स्ट। सो फर्स्ट इज आवर पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स के बारे में समझते हैं। पॉलीगॉन्स, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। जब भी हमारा कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व है जिसमें जो हमारा सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है, वो हमारा पॉलीगन कहलाता है, ठीक है। जैसे आप देख लो इन सारे फिगर्स में सिर्फ लाइन सेगमेंट की यूज हुई है। दिस लाइन सेगमेंट, दिस दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे आपका साइड्स है एंड देन ये आपका वर्टेक्स है, और ये हमारा सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना है, ये हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हमारा लाइन सेगमेंट में यहाँ पे आप देख लो ओवल आ जा रहा है, नहीं होगा। यहाँ पे भी लाइन सेगमेंट है बट ये क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। एंड यहाँ पे ये हमारा लाइन सेगमेंट तो क्लोज्ड ही नहीं है, और अगर क्लोज नहीं है इस साइड पे, ओपन है, तो हमारा ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा। पॉलीगन का सिंपल बेसिक वे अब हमारा समझने में, हमारी समझ से ये है कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है, उसे हम पॉलीगन्स कहते हैं, ठीक है। दिस इज वन बेसिक थिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स के बारे में समझेंगे। इफ सपोज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ वर्टिसेस एक जगह रहेगी, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी और उसके सिंपल फिगर क्या होगा। अगर साइड्स हमारे थ्री रहे, क्लोज्ड फिगर है, तो उसे हम ट्रायंगल बोलेंगे, और उसके शेप कुछ ऐसे बनेगी। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इट कैन बी इधर दिस वन, इट कैन बी इधर दिस वन, कुछ भी हो सकती है। ये तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है। सो ये हमारा बेसिकली ट्रायंगल है, विच मीन्स ट्राई, यानी कि तीन एंगल। ओके, नाउ क्वाड्रिलेटरल, व्हेन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ वर्टिसेस जब हमारा चार होता है तब क्या होता है। जब हमारे फोर वर्टिसेस होंगे तब हमारा क्लासिफिकेशन जो हो जाएगा वो, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तब उस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ओके, और ये जो सिंपल प्लेन फिगर आपको दिख रहा है वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, दिस वन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जब हमारा वर्टिसेस फाइव होगा तब उसके क्लासिफिकेशन को हम बोलेंगे पेंटागन। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? फाइव साइड्स देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पेंटागन हो गया। देन व्हेन सिक्स साइड्स रहेंगे तब हम उसे हेक्सागन बोलेंगे। अभी आप क्या समझ रहे हो? पेंटा यानी कि फाइव, हेक्सा मीन्स सिक्स, ठीक है। तो आप इजिली नाम आप आराम से याद कर सकते हो। क्वाड्रिलेटरल या फिर क्वाड्रिलेटरल बोला जाए तो इसमें क्वाड्री जो है ना, ये विच मीन्स फोर,
ठीक है, चार साइड्स को बोल रहे हैं. देन हेक्सागोन इज आवर सिक्स साइड्स, एंड देन लास्टली इज द हेप्टागोन विच मीन्स सेवन साइड्स. जिसके सेवन साइड्स होंगे वो हमारा हेप्टागोन हो गया. जैसे कि आप देख सकते हो फिगर में, दिस इज आवर हेप्टागोन. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन. यस, दिस वन वेरी इंटरेस्टिंग वन, ऑक्टागोन. ऑक्टा कैसे याद कर सकते हो? ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपस में एट लेग्स होते हैं टोटल. ओके, ऑक्टा यानी कि एट हो जाता है. तो यहाँ पे भी जो फिगर बन रहा है ऑक्टागोन, यानी कि एक ऐसा पॉलीगन है जिसका एट साइड से, तो उसे हम ऑक्टागोन बोलते हैं. नोनागोन हमारा जिसमें हमारे नाइन साइड्स रहेंगे, तो वैसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? नोनागोन. देन लास्टली इज आवर डेकागोन जिसमें टेन साइड्स रहेंगे. एंड एनगोन मीन्स नंबर ऑफ जितने भी रहेंगे आपके 11, 12, सो दिस विल बी लाइक एनगोन. सो दिस इज द एन नंबर ऑफ साइड्स. ओके, नाउ मूविंग ऑन, डायगोनल्स किसे बोलते हैं? सो बेसिकली अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन. यहाँ पे भी कंसेक्यूटिव वर्टिसेस नहीं होने चाहिए, नॉन कंसेक्यूटिव होने चाहिए. और वो दो आपका कनेक्टिविटी करते हैं. जैसे अब सब नॉर्मल क्लास 5 to 6 में आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं. ठीक है, ये हमारा ABCD एक रेक्टेंगल अगर मान लीजिए है, तो इसमें जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस यानी कि AB और BC हो जाएगा, वो आपका कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हो जाएगा. लेकिन वही अगर आपका DA और CB बोल रहे हैं, तो ये आपका नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हो जाएगा. ये तो कंसेक्यूटिव है AB और CB. तो इस दोनों को अगर आपको वर्टिसेस को मिलाना है, तो आप ऐसे मिलाओगे. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जिससे दोनों मिल रहा है नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, यही हमारा डायगोनल हो गया. यानी कि DB एक डायगोनल है एंड AC भी एक डायगोनल हो जाएगा. यहाँ आई बात समझ में? सो दिस इज द थिंग. नाउ मूविंग ऑन, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट. अ कन्वेक्स पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन डेट इज द बाउंड्री ऑफ अ कन्वेक्स सेट. ठीक है, एक बाउंड्री होती है कन्वेक्स सेट की. This means that the line segment between the two points of the polygon is connected in the union of the interior and the boundary of the polygon. In particular, it is called a simple polygon. इसे simple polygon भी बोलते हैं. Equivalently, a polygon is convex in every line segment that does not contain any edge intersect the polygon at any two points. ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपकी बाहरी और आपका नहीं निकल रहा है. ठीक है, strictly convex polygon is a convex polygon such that no line contains two of its edges. Okay, in a convex polygon all the interior angles are less than or equal to 180 degree. jahan pe aapka jo sare interior angles hai wo ya to less hota hai 180 degree se ya fir equal hota hai, but usse zyada nahi hoga. while in strictly convex polygon all the interior angles are strictly less than 180 degree. aur जो आपका स्ट्रिक्टली कन्वेक्स पॉलीगॉन है वो हमारा हमेशा 180 डिग्री से लेसर हो. ओके, दिस इज वन थिंग. नाउ मूविंग टू द कनकेव पॉलीगॉन. कनकेव पॉलीगॉन में हम क्या देखते हैं? अ कनकेव पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन दैट हैज एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री. कनकेव पॉलीनोमियल में क्या होता है, पॉलीगॉन में क्या होता है, ये हमारा एक एंगल जो इंटीरियर एंगल है वो हमेशा ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा. इट मस्ट हैव एटलीस्ट फोर साइड्स, उसके चार साइड्स तो होना जरूरी है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉन कन्वेक्स पॉलीगॉन, उसे नॉन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन भी बोलते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन. यहाँ पे आप देख सकते हो कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन. कन्वेक्स पॉलीगॉन में आप क्या देख रहे हो? सारा पूरा क्लोज्ड है, पॉलीगॉन तो है ही, बट यहाँ पे भी कोई आपका अंदर की तरफ नहीं जा रहा, सब बाहर तरफ किया हुआ है, क्लोज्ड है. एंड यहाँ पे कनकेव पॉलीगॉन में क्या हो रहा है, जो लाइन सेगमेंट्स आपके जो बन रहे हैं वो अंदर की ओर जा रही है, देख सकते हैं, है ना? तो ये हमारा कनकेव पॉलीगॉन हो गया. ओके, एंड जितने भी फिगर्स मैंने आपको बताए हैं प्रीवियसली, ठीक है,
वो सारे आपके कन्वेक्स पॉलीगन में ही आ जाएंगे. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट वन. नाउ मूविंग ऑन, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीनोमियल किसे बोलते हैं, पॉलीगन्स को किसे बोलते हैं, सॉरी. सो रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स किसे बोलते हैं. रेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन डेट इज इक्वी एंगुलर, जिसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक है, इसका मतलब यही है, ऑल एंगल्स आर इक्वल इन मेजर एंड इक्विलेटरल. इक्विलेटरल यानी कि ऑल साइड्स हैव द सेम लेंथ. जैसे हम बोलते हैं ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब क्या हो रहा है, लेटरल से यहाँ हम समझ रहे हैं कि उसके साइड्स जो है वो इक्वल है, इक्विलेटरल यानी इक्वल साइड्स हैं. एंड इक्वी एंगुलर होगा यानी कि इक्वल एंगल्स होंगे. ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन किसे बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन उसे बोलेंगे जिसके साइड्स हमेशा बराबर होते हैं. जैसे हम समझते किसी एग्जांपल में कि स्क्वायर लेते हैं. ठीक है, स्क्वायर का क्या है, चार साइड्स है एंड सारे साइड्स जो है वो आपके बराबर होते हैं ना. ठीक है, फोर साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं. एंगल हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का ही होता है, 90 डिग्री का ही बनता है सारे एंगल्स. तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया. स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रेगुलर पॉलीगन. जो हमारे स्क्वायर हो गया ये एक रेगुलर पॉलीगन की तरह है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इरेगुलर पॉलीगन. इरेगुलर पॉलीगन्स आर द पॉलीगन्स दैट हैव अनइक्वल एंगल्स, जिसके एंगल्स इक्वल नहीं होंगे एंड अनइक्वल साइड्स, और जिसके साइड्स भी इक्वल नहीं होंगे. एज अपोज टू रेगुलर पॉलीगन, जस्ट अपोजिट होता है उसका. ठीक है, विच आर पॉलीगन्स डेट हैव द इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स. जैसे कि हम समझ रहे हैं वो ऐसे पॉलीगन्स पॉलीगन्स जिसके साइड्स और एंगल्स जो है वो बराबर होंगे, उसे रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है. लेकिन इरेगुलर यानी कि नॉट रेगुलर, जिसके साइड्स भी रेगुलर नहीं है, जिसके साइड्स भी अनइक्वल है एंड एंगल्स भी अनइक्वल है, वो हमारा इरेगुलर पॉलीगन्स में आ जाए. ठीक है, वो हमारा से इरेगुलर पॉलीगन्स में आ जाएगा. नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रेगुलर पॉलीगन के. जैसे मैंने बताया स्क्वायर हो सकता है, हेप्टागोन, नोनागोन, डेकागोन. तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके साइड्स एज वेल एज एंगल्स भी बराबर हो रहे हैं. बट इरेगुलर पॉलीगन्स में क्या हो रहा है, एंगल्स इक्वल बट साइड्स आर नॉट इक्वल. यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल इक्वल है, साइड्स इक्वल नहीं है. ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, लेंथ यहाँ पे दोनों सेम है, ब्रेथ यहाँ पे दोनों सेम है, बट चारों के चारों साइड्स हमारे इक्वल नहीं है. ठीक है, साइड्स इक्वल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल. यहाँ पे साइड्स तो बराबर हो रहे हैं बट यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं हो रहे. ओके, दिस इज वन एग्जाम्पल. एंड देन लास्टली, नीदर साइड्स नोर एंगल्स आर इक्वल. यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ एक ट्रायंगल्स है, उनके साइड्स भी इक्वल नहीं है एंड एंगल्स भी इक्वल नहीं है. सो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ स्केलन ट्रायंगल. इसे स्केलन ट्रायंगल भी बोलते हैं, जिसमें साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होते. एंड देन अदर एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो. ठीक है, सो इसमें हमने क्या देखा, इरेगुलर पॉलीगन्स में साइड्स और एंगल्स हमेशा बराबर नहीं होते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ इरेगुलर पॉलीगन्स. बट रेगुलर पॉलीगन्स में वही क्या हो जाता है, आपका साइड्स और एंगल्स दोनों बराबर होते हैं. ओके, मूविंग ऑन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन किसे बोलते हैं, समझते हैं पहले. द एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर्मूला फॉर एनी पॉलीगन इज एक्सप्रेस्ड एज एस इज इक्वल टू एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, वेयर एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन. यानी कि जितने पॉलीगन्स होंगे, सपोज 5 है साइड्स है उनके, 5 है, सपोज 8 साइड्स है, सो यहाँ पे आपके एन के जगह पे आपके 8 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, जितने साइड्स है उतना ही. दिस प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन स्टेट्स दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन अ पॉलीगन कैन बी फाउंड बाय द हेल्प ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फाउंड इनसाइड इट. यानी कि जैसे आप सपोज एक ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं उतने ही आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जितने बन रहे हैं उसके आपके इनसाइड बन रहे हैं, वो आप कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर विच आई एम टॉकिंग, सो लेट्स इरेज इट फर्स्ट.
जस्ट सेइंग कि उसके अंदर जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है, सो उसके हिसाब से हम ये फॉर्मूला, हम मतलब ये फॉर्मूला आया है उससे, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री उनके होते हैं. तो यहाँ से आप बेसिकली आप निकाल सकते हो उससे कि आपके इंटीरियर एंगल्स कैसे निकलेंगे. सो एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री. सो दिस इज वन थिंग. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, शेप्स और फिर एंगल्स के बारे में हम समझेंगे. जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के थ्री साइड्स होते हैं. सो एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री. सो हियर वी गेट 3 माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, विच मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री हो रहा है. सो हमारा 180 डिग्री मिल रहा है. देन चार साइड्स है, फोर साइड्स का टोटल सम कितना होगा एंगल्स का. सो 4 माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, वी गेट 360 डिग्री. चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, उन चारों की सम 90 डिग्री होगी ही होगी, ठीक है. क्यों? क्योंकि सारे हमारे जो एंगल्स जो बन रहे हैं वो क्या हो रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री. तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 90 वी कैन इजली गेट 360. बट अगर हम एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा रहे हैं पॉलीगन का, तो वी कैन इजिली फाइंड इट बाई द सेम 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 वी कैन गेट 360, राइट. नाउ अगर साइड्स आपका 5 रहेगा तब हम कैसे निकाल सकते हैं. सो वी विल गेट 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 वी गेट 3 मल्टीप्लाई बाई 180 इज नथिंग बट 540 डिग्री. नाउ मूविंग ऑन, अगर साइड्स हमारा 6 रहे तब हम कैसे निकालेंगे. सो 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 विच इज 4 मल्टीप्लाई बाई 180 विच इज नथिंग बट 720 डिग्री. हमारा जब भी साइड्स जैसे कि हेक्सागोन, हेक्सागोन का जो इनर जो आपका एंगल निकलेगा वो हमारा 720 डिग्री का निकलेगा. ओके, सो दिस आर द बेसिक वन. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिमेनिंग चैप्टर. इसमें हमने मॉडल वन में हमने यही पढ़ा कि रेगुलर पॉलीगन किसे बोलते हैं. सबसे पहले तो पढ़ा हमने पॉलीगन बोलते किसे, डेफिनेशन क्या होती है. देन कनकेव पॉलीगन के बारे में पढ़ा, कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में पढ़ा. और कन्वेक्स पॉलीगन्स में हमेशा क्या होता है कि रेगुलर शेप्स बनते हैं, क्लोज रहते हैं फिगर. बट कनकेव में क्या होता है कि हमारा अंदर की ओर जाते हैं, ठीक है. एंड देन हमने पढ़ा ऑक्टागोन के बारे में, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के बारे में पढ़ा. देन रेक्टेंगल्स के बारे में, एंड देन हमने और भी सारी चीज़ों को पढ़ा, जैसे रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन्स के कैसे क्लासिफिकेशंस होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स, एंड लास्टली द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीगन. सो इस मॉडल में इतना ही. थैंक यू सो मच. थैंक यू.